सब्सक्राइब करें अच्छी बन वैद यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो अपडेट और स्टडी रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज हम करेंगे नेहा सलाम क्लॉक। और आपको बता दूं कि पहला जो है चैप्टर वो था पोएम वेकअप, वो उसकी वीडियो हमने अपने चैनल में डाल ली है, तो उसको भी देखना ज़रूर। और चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। नरेटर मीन्स अब मुझे को नरेटर समझ लीजिए। रिंग 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 ऑफ गोज द अलार्म क्लॉक एट 6 इन द मॉर्निंग। तो मीन्स अलार्म की रिंगिंग शुरू होगी, वो भी सुबह के 6 बजे। नेहा मेक्स अ फेस एंड कवरिंग हर ईयर्स विद अ पिल्लो स्नगल्स अंडर द वार्म ब्लैंकेट। और नेहा जो है अब वो चहलने लगी है, जैसे वो उठते हैं सुबह, और अपने कानों को ढक रही है पिल्लो की मदद से, अपने तकिए की मदद से, स्नगल्स अंडर द वार्म ब्लैंकेट, और अपने गर्म बिस्तरे पे मीन्स गर्म रजाई में या फिर कह लो कंबल में जो है वे स्नगल्स कर रही है, मैं लिप रही है। स्नगल्स मीन्स गर्म जगह में पहना, मीन्स वो गर्म में कर रही है। स्नगल्स मीन्स अपने को उस पोजीशन में डालना जिस पे आप कंफर्टेबल हो और आपको वार्म अप मिली हो, दैट इज स्नगल्स। बट शी नोज शी हैज़ टू गेट अप, पर उसको पता है कि उसको उठना है। सो शी मटर टू हरसेल्फ, शी मटर टू हरसेल्फ मतलब को वो गिड़गिड़ा रही है अपने आप से ही। नेहा कहती है ये अलार्म क्लॉक जो है हमेशा 6 बजे जो है रिंगिंग करता है, मीन्स बजना शुरू हो जाता है, एंड पुल्स मी आउट ऑफ द बेड, और मुझे जो है बिस्तरे से उठा ही देता है। इट्स सो अनफेयर, ओ हाउ आई वुड लव टू स्लीप अ लॉन्ग लिटिल लॉन्गर इन द मॉर्निंग। और वो कहती है ये अच्छी बात नहीं है, मुझे तो मॉर्निंग में सुबह में जो है थोड़ा सा ज़्यादा सोना अच्छा लगता है। आई विश दिस क्लॉक वुड फॉरगेट इट्स जॉब समटाइम्स, मैं चाहती हूँ कि ये अपना काम भूल जाए, मीन्स इसका काम यही है कि अब बजना अलार्म रिंगिंग करना। तो वो कहती है कि ये वह भूल जाए। फॉर समथिंग फॉल्स नेहा स्माइल, कुछ गिर जाता है और नेहा स्माइल करना शुरू कर देती है। तो नेहा कहती है ओ माई क्लॉक हैज़ फॉलन, हाउ हैप्पी आई एम, टमोरो आई कैन गेट अप लेट। तो अब नेहा कहती है ओ ये जो क्लॉक है वो नीचे गिर गया और मैं अब बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं कितनी खुश हूँ, और कल को जो है मैं लेट उठ पाऊँगी। अगली सुबह को जो है क्लॉक नहीं अलार्म नहीं होता। जो है नेहा जो है वो सोती जाती है। द स्मॉल चिपिंग बर्ड्स विच कम टू विंडो सिल एवरी मॉर्निंग फाइंड नेहा स्टिल स्लीपिंग। तो अब वह सो ही जा रही थी, तो जो छोटे छोटे पैर पर जो बर्ड्स हैं पक्षी हैं वो अब उसकी विंडो सिल मीन्स आ गई हैं। जब वो हम रोज़ आती हैं तो वो देखते हैं कि नेहा जो है वो अभी भी सो रही है, मीन्स कि वो जो पक्षी थे वो विंडो सिल यानी खिड़की से आए थे। बर्ड्स वेक अप डियर, वेक अप फास्ट। अब बर्ड्स जो है नेहा कहने लगी उठो डियर जल्दी उठो, और नेहा जो है अब उठने लगी। नेहा कहने लगी ओ नो इफ इट्स नॉट द अलार्म क्लॉक इट्स दीज बर्ड्स व्हाई डोंट दे लीव मी अलोन। तो नेहा कहती है अगर ये अलार्म क्लॉक नहीं है तो ये कौन है, अरे ये तो बर्ड्स हैं, ये पक्षी हैं, ये मुझे अकेले क्यों नहीं छोड़ देते। इवन दिस विश ऑफ नेहाज कम ट्रू, और ये भी उसकी जो है इच्छा पूरी होगी। अगली सुबह अब क्लॉक भी नहीं था और बर्ड्स भी नहीं आए, बट देर इज़ समवन एल्स हु डज नॉट वॉन्ट हर टू मिस द स्कूल बस। लेकिन वो कोई और था जो उस ये नहीं चाहता था कि वो अपनी स्कूल बस मिस कर दे। कैन यू गैस हु इट इज़, तो बताओ वो कौन है। द बिग ब्राइट सन ही फिल्स नेहाज रूम विद अ वार्म स्माइल। वो कौन है, वो है बड़ा ब्राइट करता हुआ चमकता सूरज, तो जिससे पूरे कमरे में जो है रोशनी होगी, मीन स्माइल मीन पूरी रोशनी होगी, थोड़ी सी वार्मथ मिली। ठीक है, नेहा कहने लगी ओ माय आइज नाउ इट्स सन वेकिंग मी अप, व्हाई कैंट ही लेट मी बी, व्हाट मे बी।
तो नेहा कहने लगी, अरे मेरी आंखें कितनी ज़्यादा रोशनी पड़ रही हैं आँखों से, क्या ये सूरज भी कहीं चला क्यों नहीं जाता, ये क्यों है, क्या मुझे सोन नहीं दे रहा। तो क्या होता है, सो अब ये भी नेहा की विश पूरी होगी। अगली सुबह अब तो सन भी जो बादलों के पीछे छुपा हुआ था, तो अब जो है नेहा स्नोर कर रही थी, मतलब खराटे मार रही थी, टिल शी हियर्स हर मदर्स वॉइस, तब तक ग्राटे मार दी थी जब तक उसकी अपनी मम्मी की आवाज़ सुनाई दी। अब मदर उसको कहती है, उठ जाओ, तुम सो कितना सोओगी, तुमने तुम जो है अपनी बस मिस कर दोगी। नेहा, ओ नो, व्हाई डज मदर हैव टू वेक मी अप। अब नेहा कहती है, अब अरे नहीं, अब मम्मी क्यों जो है मुझे उठा रही हैं, तो अब कुछ नहीं गया। नेहा जो है वो उठ गई और जो है रेडी होने लगी। कह रही मैं, व्हाट हैपन द नेक्स्ट डे, और क्या अब आप इमेजिन कर पा रहे हो कि अगली सुबह क्या हुआ होगा। नेहा वेक्स अप विद अ स्टार्ट, हर वॉच सेज इट इज 6 o'clock, शी कॉल आउट टू हर मदर, और ये अगली सुबह वो अपने आप ही 6 बजे उठ गई और अपने मदर से बोलने लगी, माँ हु वॉक मी अप टूडे। अब वो कहती है अपनी मम्मी से, माँ आज मुझे किसने उठाया। तो मदर स्माइल करती हैं और बोलती है, हु एल्स, यू ऑफ कोर्स, किसने, वो खुद तुम ही, मतलब कि तुम खुद ही उठी हो। नेहा कहती है, पर मैं तो सो रही थी, हाउ कुड आई, मैं कैसे, मीन्स। तो मदर कहती है, नाउ टेल मी, व्हाई डू यू ईट योर लंच एवरी डे एट 1 in the afternoon। मदर फिर उससे एक सवाल पूछती है कि तुम क्यों जो है लंच हमेशा जो है रोज़ वो हमेशा आफ्टरनून मीन्स दोपहर को ही क्यों करती हो। तो नेहा कहती है, आई फील हंग्री, मुझे भूख लग रही होती है तब। तो मदर कहती है, व्हाई डू यू स्लीप एट 9 every night, और तुम रोज़ 9 बजे क्यों उठती हो। तब नेहा कहती है, बिकॉज मुझे नींद आ रही होती है। तो अब मदर कहती हैं, देर इज़ अ क्लॉक इन साइड यू विच टेल्स यू व्हेन टू ईट, व्हेन टू स्लीप एंड व्हेन टू वेक अप। तो मदर कहती है कि एक क्लॉक तुम्हारे अंदर ही है जो तुम्हें बता देता है कि कब तुम्हें खाना है पीना है, सोना है या फिर उठना है। नेहा कहती है, ओ ओ आई बेटर रश नाउ। अब वो कहती है, अब मुझे अब जल्दी से जाना चाहिए, नहीं तो बस मिस हो जाएगी। मदर, रिलैक्स, टुडे इज संडे। तब मदर कहती है, रिलैक्स, आराम करो कि आज संडे है, तो अभी से संडे को स्कूल नहीं है। सो नेहा कहती है, ओहो। तो कैसी लगी स्टोरी? सो दिस स्टोरी वॉज अडेप्टेड फ्रॉम नेहा अलार्म क्लॉक बाय गिरिजा रानी अस्थाना। कैसी लगी हमारे एक्सप्लेनेशन, प्लीज़ कमेंट करके बताना, और लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, फिर चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपको और अपनी क्लास की वीडियो आती रहे, और बगल वाला बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स आती रहे। बाय बाय।